आज सेमिया बात बनाएंगे। सेमिया बात बनाने के लिए सब्जियां काट के लिया है, मटर, गाजर, आलू, बीन्स, पत्ता गोभी, नारियल, टमाटर, ग्रीन मिर्ची, अदरक, कड़ी पत्ता, हरी धनिया, अब इसको छौंक लगाते हैं। 1 कप सेमिया, अभी पहले सब्जी को छौंक लगाते हैं। 1 स्पून तेल डाला है, थोड़ा सा राई, ये जो भी सब्जियां काट के रखा है, बीन्स, कैरेट, पत्ता गोभी को छोड़ के बाकी सब सब्जियां इसमें डाल रही हूँ। बीन्स, कैरेट, मटर, आलू, थोड़ा सा नमक। तो इसको एक विशल कुकर ढक करके 1 विशल लेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। अभी एक पैन में चौक लगाते हैं। 1 केवी जितना ऑयल डाल रही हूँ। राई, चने का दाल और उड़द का दाल दोनों 1-1 स्पून, ये थोड़ा रोज कलर फ्राई कर लेते हैं। अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, पत्ता गोभी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढक के 2 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए ये पक गया है। अभी इसमें जो सब्जी 1 विशल में बॉईल करके रखा है ना, वो सब सब्जी इसमें डाल रही हूँ। चौंक में भी पका सकते हैं, लेकिन कुकर में करने से थोड़ा काम फास्ट होता है, इसलिए कुकर में बॉईल किया है। टमाटर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर सारा पक जावे, इसी में अभी मैं नारियल डाल रही हूँ। टमाटर हाफ पक गया है। हरी धनिया, नारियल, 1 कप सेमिया के लिए 1 कप पानी, जो सब्जी बॉईल किया था वो पानी भी डाल रही हूँ। सब मिला के 1.5 कप पानी डालने से, 1 कप सेमिया के लिए 1.5 कप पानी। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पहले भी नमक डाला है, वो देख करके उस अनुसार से नमक डाल देंगे। अब ये बॉईल हो गए, ढक करके बॉईल हुए, देखिए बॉईल हो गया है। अभी सेमिया इसमें मिलाते मिलाते सेमिया डालेंगे। सेमिया को थोड़ा भून के, आजकल तो रोस्टेड सेमिया भी मिलता है, बिना रोस्ट का होता है तो रोस्ट कर लेना पड़ता है। तो इसको अच्छी तरह से मिला के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी सारा सूख जाएगा। देखिए कितना अच्छा पक रहा है, अभी भी पानी है। और 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए पानी सारा उठा लिया है, अच्छा पक गया है। खिरा खिरा सेमिया बात तैयार हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला है। सेमिया बात रेडी।